हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बासबूसा की रेसिपी। तो ये सूजी का केक भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले रही हूँ, एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप सूजी, तो 200 ग्राम के जितना है। और मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कटोरी का यूज़ किया हुआ है। आप हमेशा मेजरमेंट के लिए सेम कटोरी यूज़ करिएगा, अगर आपके पास मेजरमेंट कप है तो भी बहुत ही अच्छा है। तब मैंने यहाँ पर ऐड करी हूँ पाउडर शुगर 1 कप। तो पाउडर शुगर मैंने जब नॉर्मल वाला चीनी को ग्राइंडर में पीस रही थी तो थोड़ा सा पानी रहेगा था, इसलिए ऐसा गीला टाइप का बन गया। देन मैं यहाँ पे ऐड किया हुआ है 1/4 कप नॉर्मल ऑयल, जो कि हम कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके बिल्कुल स्मेल नहीं होगा तो आप ऐड कर सकते हैं वो वाला ऑयल। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको एकदम ब्रेड क्रम्स के जितना बनाना है, यानी कि खासा थोड़ा सा देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से या फिर हाथ की मदद से। मिक्सर रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दूध। दूध मैंने यहाँ पे बॉयल करके रूम टेम्परेचर में रखा हुआ था। यहाँ पे सेम कप में मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध लिया हुआ है, और इसमें 3 से 4 ड्रॉप मैंने यहाँ पे वैनिला एसेंस ऐड करा हुआ है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैनिला फ्लेवर से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लम्ब्स फ्री होने तक। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस नॉर्मल जैसा मिक्स करना है मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड करा हुआ है, जो कि हम नॉर्मल वाला चावल खाते हैं जिस चम्मच में, उससे थोड़ा सा छोटा वाला जो चम्मच रहता है उससे मैंने 1 चम्मच ऐड करा हुआ है। आप मेजरमेंट भी करके ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। देन यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा नहीं, हम लोग बेकिंग पाउडर ऐड करा हुआ है मिक्स करने के बाद। देन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो डेसिकेटेड कोकोनट कैसे बनाते हैं, मैं उसका रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं ऊपर लिंक में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। अगर आप घर पर नहीं बनाते हैं तो मार्केट में ही आसानी से कोई सा भी ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने से इसका जो क्रंचीनेस आता है और बहुत ही खाने में टेस्ट लगता है। नॉर्मल कोकोनट ऐड करेंगे ना तो उसका जो ऑयल निकलेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी देखिए कि ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़े चम्मच जितना दूध, और इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, बस इसी कंसिस्टेंसी में 20 मिनट तक ढक के साइड में रख लेंगे, क्योंकि सूजी जो है ये फूलता है, इसलिए हम साइड करके रख लेंगे। अभी मैं ग्रीस करूँगी एक कंटेनर को जिसमें हम बेक करेंगे। आपके पास अगर ग्लास का कंटेनर है तो भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास बेकिंग के लिए बेकिंग ट्रे है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक स्टील के बर्तन, तो इसमें मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल या बटर की सहायता से। देन यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक स्टैंड। अभी इसको हाई फ्लेम पे ढक के 10 मिनट तक गर्म प्री हीट कर लेंगे। आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नमक नहीं ऐड करा हुआ है, नॉर्मल वाला ऐसा ही बना हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए कितना थिक हो गया है 20 मिनट के बाद। इसको इस हमको ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बासबूसा जो है थोड़ा सा हार्ड रहता है और बहुत ही सॉफ्टनेस अंदर से आता है, तो इसमें हमको ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑयल ग्रीस बाउल में, देन हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। आप इसको अगर आपके पास स्क्वायर वाला है तो भी बना सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। माइक्रोवेव में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ। कुछ लोगों का अफसोस जो था कि आप लोग जो बनाते हैं बेक करते हैं, आप लोग कैसे बेक करते हैं, क्यों नमक नहीं देते हैं, ख़राब होता है क्या कढ़ाई, कुछ नहीं होता है, आप बिना नमक के भी बेक कर सकते हैं। अभी अब मैं थोड़ा सा इसको मार्क दे रही हूँ, ताकि क्यों दे रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। ऐसे कट मार्क देने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काजू एंड थोड़ा सा पिस्ता। तो आप इसको काजू आलमंड पिस्ता से भी ग्रीस करके, मतलब स्प्रेड करके भी बेक कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे काजू एंड थोड़ा सा पिस्ता ऐड करा हुआ है ऊपर से। अभी हम इसको बेक करेंगे, और खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। देखने में जितना ईजी लगता है खाने में भी बहुत ही टेस्ट है, और एकदम बेसिक सामान से हम लोग बनाए हैं ना, तो आप देखिए आगे। अभी हम इसको कट कर लेंगे, हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसको बेक होने के लिए मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम में, जहाँ जो कढ़ाई हम प्रीहीट किए थे इसमें लो टू मीडियम फ्लेम में पूरा ढक के 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। अगर उस टाइम आपका नहीं हुआ होगा तो आप थोड़ा सा और भी टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बना रही हूँ सिरप, तो शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी लिया हुआ है। इसको हम अच्छे से उबालेंगे जब तक कि एकदम ठीक बॉयल हो जाएगा और चीनी जो है अच्छे से घुल जाएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करिए एंड आपके फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक इलायची, इलायची से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है। देन यहाँ पे शुगर सिरप मैंने बॉयल होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क, तो ये भी दूध भी ऑप्शनल है या आप नॉर्मल शुगर सिरप से ही बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड करा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा और टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बॉयल हो गया और इसका ज़्यादा थिक नहीं हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा थिकनेस आया है। इसमें हम बंद कर लेंगे और इसको साइड ठंडा आने के लिए रख देंगे। और अभी देखिए बास भूसा जो है ये बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको ऐसे ही गर्म, जब भी हम तुरंत निकालेंगे उसी टाइम हम इसको वो जो मार्क दिए थे उसी के हिसाब से कट कर लेंगे। ध्यान से कट करिएगा क्योंकि गर्म है तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा खस्ता रहता है ना, तेल अड़करा हुआ है इसलिए। देन हम ये जो शुगर सिरप बनाए थे यानी कि दूध का जो सिरप बनाए थे इसको हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही टेस्ट लगता है। आप इसको ऐड करने के बाद साइड में एकदम ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, जब भी ठंडा हो जाएगा तभी इसको खाइए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में 4 से 5 दिन, यानी कि फ्रिज में रखेंगे तो 7-8 दिन तक आराम से रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा बना हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। है ना, बहुत ही इजी रेसिपी और आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे ही आपको मिल जाएगा। और कोकोनट की रेसिपी आप जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगेगा। आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।